नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में कल अंतिम चरण का चुनाव होना है, जिसके लिए आज सातवें चरण के लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सातवें चरण के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 613 प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर्स को करना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सातवें और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होना है। 9 जिले की 54 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होगी। 9 जिले की 54 सीटें हैं, पूर्वांचल की ये सीटें हैं जिसमें अपनी पूरी ताकत सभी दिग्गजों ने झोंक दी है। अब 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता को करना है। चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे थम चुका है। अब गेंद पूरी तरीके से जनता के पाले में जा चुकी है। वैसे में कल मतदान होगा और आज पोलिंग पार्टियां उसके लिए रवाना हो जाएंगी। और जौनपुर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ रतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, कल आखिरी चरण का चुनाव होना है, पोलिंग पार्टियां भी आज रवाना हो रही है, जौनपुर से क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल आखिरी चरण का मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हम मौजूद हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जौनपुर में, जहां से पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होंगी। और रवाना होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी लेकर के रवाना होंगी। 17,300 से ज़्यादा कार्मिकों को यहाँ पर लगाया जाएगा। ईवीएम्स की हम तस्वीर आपको दिखाएं। इन्हीं ईवीएम्स में जो 9 विधानसभा जौनपुर जनपद की हैं, उनमें जो प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी किस्मत दांव पर लगेगी और किस्मत लॉक हो जाएगी। ये ईवीएम सबसे कुछ देर बाद जो मतदान कर्मी हैं 17,300 से ज़्यादा, वो यहाँ से रवाना होंगे पोलिंग पार्टियों के रूप में और विभिन्न बूथों पर पहुँचेंगे। अगर जौनपुर जनपद की बात की जाए तो 2145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,948 बूथ होंगे जहां पर ये ईवीएम्स ले जाई जाएंगी। सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर पैरामिलिट्री की तैनाती की जाएगी और तमाम जो विधानसभा हैं, ये अभी पोलिंग पार्टीज अभी रवाना होना शुरू नहीं हुई हैं। कुछ देर बाद जब लोग यहां पर मतदान कार्मिक पहुँचेंगे, उसके बाद ये अपनी ईवीएम्स और तमाम जो 40 तरीके के सामान हैं वो पैकेट्स लेकर के यहाँ से रवाना होंगे, सुरक्षा के घेरे में रवाना होंगे। मतदान कार्मिक 17,372 से ज़्यादा हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यही ईवीएम्स हैं, इन्हीं को लेकर के मतदान कार्मिक यहाँ से जाएंगे। जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, हालांकि एसपी डीएम फिलहाल यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, लेकिन इन्हीं ईवीएम्स में जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत लॉक होगी कल सुबह 7 बजे से और 6 बजे तक मतदान जब होना है। जी ठीक है रतीश, बने रहिए आप हमारे साथ। सनुज का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, गाजीपुर की क्या तस्वीर है, पोलिंग पार्टियां क्या वहां से रवाना हो रही हैं? देखिए कुछ देर बाद ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होना शुरू हो जाएंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर जो तमाम इंतजाम है वो यहां कर लिए गए हैं। सबसे पहले जो मतदान कर्मी आएंगे यहां इस काउंटर से अपनी ड्यूटी लेंगे और उसके बाद ईवीएम वीवीपैट और मतदान से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनको लेकर यहां से रवाना हो जाएंगे। गाजीपुर में भी कल वोटिंग होनी है और 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ, जिन प्रत्याशियों की किस्मत है वो इन्हीं ईवीएम में कैद होगी। तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से गाजीपुर ज़िले की मैं बात करूं तो गाजीपुर ज़िले को 25 जोन और 253 सेक्टर में बांट दिया गया है। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 30,060 मतदाता बूथ बनाए गए हैं और 30,060 जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहां से रवाना की जा रही हैं। 13,000 से ज़्यादा जो कार्मिक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। बस कुछ ही देर का वक्त है जिसके बाद यहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो जाएंगी। सुरक्षा के घेरे में इन पोलिंग पार्टियों को भेजा जाएगा। कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि जब ये वाहन यहाँ से मतदान स्थलों तक पहुँचे तो इनकी जो पूरी लोकेशन है वो इस ऑफिस में बैठकर यहां पर देखी जा सके। और गाजीपुर में चूंकि 7 विधानसभा सीटें हैं और इसलिए 6 जगह से जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको यहां से रवाना किया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं गाजीपुर में। मऊ की क्या तस्वीर है वो भी देख लेते हैं। मऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, क्या तस्वीर है मऊ से? चलिए ठीक है, चलिए विवेक, इम्पोर्टेंट है और 2 अन्य सीटें तक। ठीक है विवेक, जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर से, आपकी आवाज लगातार ब्रेक हो रही है तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं।
जो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सनोज हमारे साथ गाजीपुर से बने हुए हैं, इसके अलावा रतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में इस बार मुकाबला बेहद ही कड़ा होगा, जिसके लिए अब तमाम नेताओं के हाथ में तो कोई भी मौका बचा नहीं है, जनता को फैसला करना है। और आज का जो काम है, यानी कि पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का जो काम है, वो आज हो जाएगा, अब से कुछ देर बाद। कितनी वक्त बाद पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी, किस तरीके की वहां पूरी तैयारियां हैं, वो जरा दिखाएं। बिल्कुल, देखिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का वक्त सुबह 6 बजे से है, लेकिन 10 बजे के आसपास माना जा रहा है कि 10 बजे से पोलिंग पार्टीज यहां से रवाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाते रहे साथ में, जो तैयारियां हैं ड्यूटी लेने के लिए, जो ड्यूटी का आदेश होता है वो लेने के लिए वो कार्मिक यहाँ पर बैठ चुके हैं। 17,300 से ज़्यादा कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है और पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं ताकि साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। मड़ियाहू विधानसभा का यह पंडाल है, बाकायदा पंडाल लगाए गए हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, और जैसे जैसे यहाँ पर मतदान कार्मिक अपनी ड्यूटी को अपनी ईवीएम्स को लेने यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद उनकी रवानगी शुरू होगी। ये 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब रवानगी शुरू हो जाएगी, और शाम 5 बजे के बाद 5 बजे तक सभी मतदान कार्मिकों को अपने बूथ्स पर पहुँच जाना होगा, और उसके बाद कल उसकी तैयारी मॉक पोल की जाएगा सुबह। लेकिन 261 सेक्टर्स में बांटा गया है पूरे ज़िले को, 32 जोन बनाए गए हैं और 3 सुपर जोन बनाए गए हैं, यानी कहीं कोई चूक ना हो, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए पूर्णतया निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर के सुरक्षा घेरा भी काफ़ी कड़ा किया गया है पूरे जनपद का। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी को टाला जा सके। 9 विधानसभा में अगर इंटरेस्टिंग फाइट बात की जाए तो मल्हनी विधानसभा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर धनंजय सिंह के सामने लकी यादव हैं, और धनंजय सिंह और लकी यादव दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। लकी यादव के पक्ष में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव तीनों ने पूरा जोर लगाया है। किस्मत में वो राज तिलक लिखेगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी के लिए, सनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही सातवें चरण में बाजी जनता के हाथ में है, जो मैदान में उतरे सभी 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। इस चरण को जानकर यूपी चुनाव का फाइनल बता रहे हैं, जिसे जो जीतेगा वो लखनऊ पर राज करेगा, लेकिन राज करने के लिए साधना होगा वो समीकरण जिसके बिना जीत की बात करना भी बेमानी है। यूपी का अंतिम युद्ध किससे जिताएगा यू, चक्रव्यूह का सातवां द्वार, पूर्वांचल से तय होगी सरकार, 54 सीट की महाजंग, भगवा या लाल रंग, देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई आखिरी दौर में आ गई है। सातवें दौर का प्रचार खत्म हो चुका है, अब सबकी निगाहें 7 मार्च की तारीख पर टिकी हैं, जब यूपी के 9 जिलों की 54 सीट पर वोट डाले जाएंगे, क्योंकि नेताओं को जितना जोर लगाना था, जितना पसीना बहाना था, बहा लिया। अब बारी है जनता की, जो मैदान में उतरे 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। सियासी रण के आखिरी चरण में अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इसमें आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पिछली बार 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें आजमगढ़ में जीतेंगे। तो बीजेपी के अपने दावे हैं, बीजेपी कह रही कि इस बार आजमगढ़ में परिवर्तन होगा, कम से कम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। आपको बता दें कि 7वें चरण में 2,05,51,521 मतदाता हैं, इनमें 1,09,00,000 पुरुष और 96,49,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,017 थर्ड जेंडर हैं। वहीं 7वें चरण में जातिगत समीकरण को साधते हुए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि इस चरण में दलित और मुस्लिम की आबादी एकजुट हो जाए तो गेम बदल सकता है। आजमगढ़ में 16% मुस्लिम हैं और 25% दलित, वहीं मऊ में 19% मुस्लिम और 22% दलित हैं, जौनपुर में 11% मुस्लिम और 22% दलित हैं, गाजीपुर में 11% मुस्लिम और 20% दलित हैं, ठीक इसी तरह चंदौली में 11% मुस्लिम और 23% दलित हैं, वाराणसी में 15% मुस्लिम और 13% दलित हैं, भदोही में 13% मुस्लिम और 12% दलित हैं, मिर्जापुर में 8% मुस्लिम और 26% दलित हैं, जबकि सोनभद्र में 6% मुस्लिम और 23% दलित है। मतलब सभी जिलों में दलित और मुस्लिम की बड़ी आबादी है। हालांकि पिछली बार ये समीकरण फेल हो गया था, भाजपा ने 67% सीट जीत ली थी, जिसमें भाजपा गठबंधन को 36, समाजवादी पार्टी को 11, बसपा को 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी,
क्योंकि इस बार लड़ाई एकदम टक्कर की नजर आ रही। भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस या बसपा, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन किस्मत किसकी खुलेगी इसका फैसला जनता का वोट तय करेगा। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी चुनाव के सातवें चरण को यूं ही नहीं फाइनल रन कहा जा रहा। दरअसल इस चरण में प्रत्याशियों के साथ ही कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। आखिरी रण में वाराणसी और आजमगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। जहां वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़। इसीलिए जीत हार दोनों ही साख का सवाल साबित होंगी। अखिलेश यादव जी स्वागत है। सातवें दौर की सबसे बड़ी परीक्षा, दांव पर लगी सात मंत्रियों की प्रतिष्ठा। सीट का पूरा खेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल। यूपी की आखिरी लड़ाई में 9 जिलों की 54 सीट है, लेकिन इस चरण में कई वीआईपी सीट है तो कई ऐसे महारथी हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस चरण में सबसे बड़ा इम्तिहान योगी सरकार के साथ मंत्रियों का होना है, जिसमें अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश चंद्र यादव, रमाशंकर सिंह, संगीता बलवंत बिंद और संजीव गोंड जैसे महारथियों के नाम है जिनकी इस चरण में सबसे बड़ी परीक्षा होनी है। वहीं सबकी निगाहें वीआईपी सीट पर भी टिकी है। सातवें चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों के बीच आमने सामने की लड़ाई है, या जिन सीटों को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। इसमें गाजीपुर की जहूराबाद सीट सबसे हॉट सीट है। यहां सुभाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के काली चरण राजभर से सीधी टक्कर है। वाराणसी की दक्षिण सीट पर योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी की सीधी टक्कर सपा के कामेश्वर दीक्षित से है। ठीक इसी तरह आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर सपा के रमाकांत यादव की टक्कर भाजपा के राम सूरत राजभर से है। मऊ की घोसी सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां सपा के दारा सिंह चौहान की लड़ाई भाजपा के विजय राजभर से है। आपको बता दें, दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन बाद में भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो गए। लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला काशी की शिवपुर सीट पर है। यहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की टक्कर ओम प्रकाश राजभर के अरविंद राजभर से है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर भाजपा की अलका राय और सपा के मनु अंसारी के बीच सीधा मुकाबला है। ठीक इसी तरह मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की टक्कर भाजपा के अशोक सिंह से है। अब इनमें से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इन सब के बीच वाराणसी की भी इसी चरण में परीक्षा होनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पिछली बार भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी सीटें जीत ली थी। इस बार भाजपा पर अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। तो एक परीक्षा अखिलेश यादव की भी है, क्योंकि सातवें चरण में आजमगढ़ भी है जहां 10 सीटें हैं। 2017 में यहां 5 सीटें सपा ने, 4 सीटें बसपा ने और 1 सीट भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार काशी से आजमगढ़ तक कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसका फैसला अब जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात काशी की, जिसे सातवें और आखिरी चरण के लिए हर सियासी दल ने केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार किया, फिर वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव।
इसीलिए कहा भी जाने लगा है कि जिसने जीती काशी उसे मिलेगी सत्ता की चाबी। यानी सवाल अब ये है कि डमरू वाले की सरकार काशी करेगा किसका उद्धार। यूपी की आखिरी लड़ाई, सबको बाबा की याद आई। यूपी के रणक्षेत्र में काशी का गेम चेंजर शो। 22 की आखिरी बाजी, किसे जिताएगी काशी। चुनाव यूपी का है लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि इस बार काशी में क्या होगा, क्योंकि आखिरी दौर की लड़ाई के लिए जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने काशी में डेरा डाला, उससे सवाल बड़ा है कि इस बार काशी का आशीर्वाद किसे मिलेगा। क्योंकि काशी को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। सातवें चरण के रण में पूरा जोर काशी पर है। राजनीतिक दल हर तरह से काशी में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल दिया और इसके साथ ही रोड शो किया, तो वहीं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रोड शो करके, दमदार रोड शो करके सड़क पर अपना दमखम दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में शुक्रवार को रोड शो किया तो बनारस भगवा रंग में रंगे। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा। ये 2022 के यूपी चुनाव में पीएम मोदी का पहला और आखिरी रोड शो था, जहां पीएम मोदी की अलग अलग तस्वीर देखने को मिली। पीएम मोदी 3 दिन तक काशी में रहे। यहां पीएम मोदी ने काशी की 8 नहीं बल्कि आखिरी चरण की सभी 54 सीटों को साधने की कोशिश। आपको बता दें कि 2017 में भी पीएम मोदी ने ऐसे ही आखिरी चरण में काशी में डेरा डाल दिया था और यूपी की चुनावी बाजी को पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुका दिया था। हमारे विरोधी लोग हैं, एक बार भी उनसे सुना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, हमारे देश की चीजों को बढ़ावा दो, एक बार भी सुना क्या? अगर ये आपके मित्र होते, ये आपका भला चाहते, तो आप जो चीजें पैदा करते उसको बेचने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन इस बार काशी के अलग अलग रंग देखने को मिले। जहां काशी मोदी के साथ इसका भगवा रंग दिखा, तो वहीं अखिलेश यादव के साथ इसका लाल रंग भी देखने को मिला। अखिलेश ने काशी में अपने प्रचार की ताकत अपने सभी सहयोगियों को एकजुट कर दिखाई, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, शिवपाल यादव से लेकर हर गठबंधन के साथी शामिल हुए। इसके बाद अखिलेश ने शुक्रवार को पीएम मोदी के रोड शो के जवाब में एक रोड शो भी किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अलग रंग देखने को मिला। अखिलेश यादव ने काशी में हर वो काम किया जो पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने रोड शो निकाला तो अखिलेश ने भी रोड शो निकाला। पीएम मोदी ने जनसभा की तो अखिलेश ने भी जनसभा की। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए तो अखिलेश ने महामृत्युंजय मंदिर और बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन की इस रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शुक्रवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। मतलब काशी में राजनीति का वो हर रंग देखने को मिला जो पूरे चुनाव में अब तक नहीं दिखा। कहते हैं काशी की गलियां छोटी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा। यहाँ की बूंद बूंद में गंगा है तो कण कण में शंकर। लेकिन शिव की भक्ति और काशी की शक्ति को साधने के लिए पहली बार महायज्ञ हुआ, लेकिन जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फतेहपुर में 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, लेकिन इससे पहले ही यहां पर हंगामा शुरू हो गया है। फतेहपुर में स्ट्रांग रूम में सपा प्रत्याशियों ने हंगामा किया। हंगामे की वजह थी एसपी की गाड़ी के साथ कई गाड़ियों के काफिले का अंदर जाना। सपा प्रत्याशी विशंबर प्रसाद ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सपा प्रत्याशियों ने हंगामा किया है। हंगामे की वजह थी कि एसपी की गाड़ी के साथ कई गाड़ियों के काफिले
को अंदर जाते हुए देखा गया, जिसके बाद नाराजगी भी सामने आई। सपा प्रत्याशी विशंबर प्रसाद ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, यह आशंका भी जाहिर की है।